Life holds special magic for those who dare to dream. आपने कब लास्ट टाइम अच्छा ड्रीम किया है कि आपका बहुत अच्छा करियर है, आपके पास बहुत पैसा है, आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल रहा है, आपकी सेटल्ड फैमिली है, हेल्थ अच्छी है और आपका आध्यात्मिक उन्नति हो रहा है, आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। एंजल्स हमसे कहते हैं कि आप विजुलाइज कीजिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए और हम आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। जैसे आस्क एंड यू विल गेट इट, तो आप पूछेंगे आपको नेचर ज़रूर देगी, पर पहले हमें विजुलाइज करना है। विजुलाइज जितना हो सके मूविंग फॉर्म में करेंगे, जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं, तो आप विजुलाइज कीजिए कि जो भी आप सोचते हैं इम्पॉसिबल है उसे आप होता हुआ देखिए। आप सोचते हैं जॉब नहीं मिलेगी, आप विजुलाइज कीजिए आपको जॉब मिल गई है। आप सोचते हैं कि आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, आप विजुलाइज कीजिए कि बैंक बैलेंस बहुत बढ़ गया है। आप सोचते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन सकती, आप विजुलाइज कीजिए कि पॉशेस्ट एरिया में आपका बहुत अच्छा प्रॉपर्टी बन गया है। आप विजुलाइज कीजिए कि आपके पास बहुत अच्छी कार आ गई है जो आप सोचते हो लेना पॉसिबल नहीं है। विजुलाइज करना है और चीज़ें हमारे तरफ अट्रैक्ट होंगी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपके जो भी गोल्स हैं लाइफ के उसको विजुलाइज कीजिए। और मेडिटेटिव स्टेट में बैठ के आपको विजुलाइज करना है, ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट करना है और उसी में आपको विजुलाइज करना है जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं। माइन्यूट डिटेल्स आपको विजुलाइज करनी है। एक बार पार्वती माता शिव भगवान को कहती हैं कि आपका एक सेवक मैं देखती हूँ कई सालों से मंदिर आ रहा है, आपको प्रे कर रहा है कि उसकी लॉटरी खोलिए, पर आप तो सुन ही नहीं रहे हैं उनकी, क्यों नहीं उस शिष्य को मदद करते हैं कि आपकी कि उसकी लॉटरी खोल दें। तो शिव भगवान देखिए बहुत ब्यूटीफुल आंसर देते हैं कि मैं तो डे वन से खड़ा हूँ उसके लिए लॉटरी खोलने के लिए, पर वो सिर्फ मुझे प्रे करके जाता है पर लॉटरी खरीदता नहीं है। तो यही गलती हम कर रहे हैं, हम भगवान से मांग नहीं रहे हैं। हमें मेडिटेशंस में विजुलाइज करना है कि क्या क्या हमें चाहिए, नेचर को बताना है। जैसे माँ को पता है कि बच्चे को ये सब खाना पसंद है, वो लाकर रखती है घर पे, पर अभी क्या चाहिए बच्चे को वो बताना पड़ेगा बच्चे को। माँ ने चीज लाके रखा है, बटर लाके रखा है, वेफर्स लाके रखे हैं, चॉकलेट्स लाके रखे हैं, सब कुछ है माँ के पास, पर बच्चा अभी क्या खाना चाहता है उसे माँ को बताना पड़ता है कि माँ अभी मुझे वेफर्स दीजिए, माँ अभी मुझे चॉकलेट दीजिए। तो हमें भी विजुलाइज करना है, भगवान से मांगना है, एंजल्स को प्रे करना है और एंजल्स हमें ज़रूर वो चीज़ देंगे। हमारे जो भी थॉट्स रहेंगे वो हमें मदद करेंगे चीज़ों को अचीव करने में, चाहे वो अच्छी सेहत हो, चाहे आध्यात्मिक ग्रोथ हो, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं उसको भी विजुलाइज कीजिए। आप फील कीजिए कि ये सब चीज़ें पाने के बाद आपको कैसे लग रहा है। अब आप ब्लॉक्ड हैं, अब आप ट्रैप्ड हैं नेगेटिव बिलीव्स में, आपके पास्ट ने आपको ब्लॉक करके रखा है। जैसे एक छोटा एलिफेंट है उसको चेन से बांध कर रखते हैं, अब बड़ा हो गया है एलिफेंट, वो इजीली वो चेन को ब्रेक कर सकता है, पर उसके माइंड में यही भरा गया है कि नहीं वो शायद चेन्स नहीं तोड़ सकता, इसीलिए वो ट्राई भी नहीं करता है। तो हम सबको ट्राई करना है, विजुलाइज करना है और हम सबको इम्पॉसिबल चीज़ें जो अभी तक हम सोचते हैं पॉसिबल नहीं है, मैं आपको राशि वाइज बताने वाली हूँ थ्रू तारों आपको क्या विजुलाइज करना है और क्या आप अचीव करेंगे। और अचीविंग योर ड्रीम इज ऑल विद इन यू, आपके अंदर है, आपके सारे ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। टैरो हमें गाइड करेगा व्हाट टू आस्क।
कैप्रिकॉर्न राशि, लेट्स टेक गाइडेंस फ्रॉम टैरो कार्ड्स कि आपको क्या विजुलाइज करना है ताकि जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ आपके लाइफ के बहुत ही अच्छे जाएं। यहाँ पर जो कार्ड आया है कैप्रिकॉर्न साइन का, द हाईएस्ट नेगेटिव कार्ड आपके करियर के लिए आया है। और यहाँ पर कार्ड आया है कि कुछ तो डिसीव हुआ है आपके साथ, किसी कुछ कंपनी ने मे भी आपको चीट किया है, आपको काम से निकाल दिया है, अभी आप जॉबलेस हैं, या फिर बिजनेस में किसी ने आपके साथ चीट किया है, कोई आपके पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है, और कुछ लोगों के ऊपर आप डिपेंडेंट थे, वो लोग अभी चेंज हो गए हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न साइन, आपको विजुलाइज करना है कि सब कुछ पहले के जैसा नॉर्मल हो गया है, आप जॉबलेस हैं, आप विजुलाइज कीजिए आपकी मनपसंद जॉब आपको मिल गई है, आप विजुलाइज कीजिए कि सब कुछ पहले के जैसा नॉर्मल हो गया है, आपकी जो भी लोग आपकी जिन भी लोगों पर आप डिपेंडेंट थे वो सारे लोग आपको आके सपोर्ट कर रहे हैं, आप विजुलाइज कीजिए आपका बिजनेस पहले के जैसा हो गया है, आपके पास इनफ रिसोर्सेस हैं और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपके पास वापस आ गए हैं। अगर आप कुछ आप जिस तरह का भी गोल आपका है, आप विजुलाइज कीजिए कि आप मार्केटिंग पर स्ट्रेस कर रहे हैं और मार्केटिंग पर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं और आप अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखिए, तो एवरी डे विजुलाइज करने से वो चीज़ें आपके लाइफ में होंगी। आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, जो भी नेगेटिविटी था पास्ट में उसको भूल जाना है और एक फ्रेश बिगिनिंग जो आप सोचेंगे वो होगा। सो आपको नेचर को वो चीज़ें मांगनी है, नेचर आपको वो चीज़ें देंगी। एंजल्स हमारे आसपास खड़े हैं हमको हेल्प करने के लिए, सिर्फ हमें विजुलाइज करने की ज़रूरत है तो हमारे सारे गोल्स हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है आपके रिलेशनशिप के लिए, वहाँ भी थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाता है कि मे बी आप आपके पार्टनर से कुछ छुपा रहे हैं या आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं और बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। सो आपको विजुलाइज करना है कि आप दोनों बैठकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको सॉल्व किए हैं, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, आप हंसी खुशी अपनी लाइफ जी रहे हैं और बहुत सेलिब्रेटिव माहौल है आपके घर में और बहुत ही पीसफुल माहौल है। और आप अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आप विजुलाइज कीजिए कि आपकी मैरिज हो रही है, किससे हो रही है, कौन से हॉल में हो रही है, कौन से मंदिर में हो रही है, कौन सा ड्रेस आपने पहना है, वो सब आपको विजुलाइज करना है। और जितने भी नेगेटिव लोग आपको लग रहा है कि आपके ड्रीम्स को फुलफिल नहीं होने दे रहे, विजुलाइज कीजिए कि वो सारे लोग आपकी लाइफ से दूर चले गए हैं। नेक्स्ट इज आपके नेगेटिव कार्ड आया है आपके हेल्थ के लिए, आप बहुत ही डिस्करेज हो गए हैं आपके हेल्थ को लेकर, यहाँ भी आपको विजुलाइज करना है। मेडिटेशंस में आप विजुलाइज करेंगे कि आपकी हेल्थ पहले के जैसा नॉर्मल हो गई है, आपको कोई डिजीज़ नहीं है, आपको राइट डॉक्टर राइट मेडिसिंस मिल गए हैं और आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं और आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आप जहाँ ट्रैवलिंग करते थे वहाँ पर ट्रैवल करते हुए देखिए अपने आप को, कार चलाते थे कार चलाते हुए देखिए और देखिए कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं लोगों के ऊपर से और आप बहुत खुश हैं अपने घर में, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, एंगर नहीं है, ग्रज नहीं है। और आप कुछ ऐसे विजुलाइज कीजिए कि आपकी हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। नेक्स्ट इज आपकी रिलेशनशिप के लिए, सॉरी आपके फाइनेंस के लिए कार्ड पॉजिटिव आया है कि आप किसी पार्टनर की हेल्प लेंगे और अपने फाइनेंस को पॉजिटिव करेंगे। आपके अध्यात्म के लिए कार्ड आया है कि आप बहुत सोच रहे हैं कि कौन से पाथ पर आपको जाना है, तो उसके लिए भी आप सेवन चिट्स बनाकर रख सकते हैं। आपके पास जितने ऑप्शंस हैं, अगर सेवन ऑप्शंस हैं तो सेवन चिट्स, पांच ऑप्शन है तो पांच चिट्स, कि क्या आपको करना चाहिए आपके सोल के लिए, कौन सी चीज़ें करने से आपके सोल को खुशी मिलती है, तो वो आप चिट्स पर लिखेंगे, भगवान के आगे भगवान की मूर्ति के आगे वो चिट्स रख देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठकर एक चिट उठाएंगे और उस पाथ को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राइट समय पर राइट चीज़ें स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसे होता है कि आप सोचते रह जाते हैं और टाइम निकल जाता है, तो आपको जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपको पीस देती है वो एक्टिविटी आपको बिगिन करनी है फ्रॉम जुलाई मंथ, तब जाकर कैप्रिकॉर्न
साइन का, जो भी करियर है, फाइनेंस है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, स्पिरिचुअलिटी है, वो बहुत ही अच्छा होगा. आई होप यू ऑल विल लाइक दिस रीडिंग. काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.